नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। युवा समाज सेवी और पूर्व सिमरिया विधायक नीलम अभय मिश्रा के पुत्र एडवोकेट विभूति नयन मिश्रा मंदबुद्धि बच्चों के लिए खुलकर सामने आए हैं। इस बार श्री मिश्र ने 4.5 लाख रुपयों की आर्थिक मदद देकर एनजीओ के माध्यम से मानसिक कमजोर बच्चों की मदद की है। वहीं इस राशि का इस्तेमाल पेपर बैग बनाने के लिए मशीन को खरीदने में खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि ये राशि राजरानी एनजीओ को दी गई है, जिससे मंदबुद्धि बच्चों के लिए शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें सामाजिक धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उक्त मदद से जहां नगर निगम क्षेत्र को पॉलिथीन मुक्त करने में भी सहयोग मिलेगा, वहीं मंदबुद्धि बच्चों को रोजगार भी सीखने को मिलेगा। आपको बता दें कि विभूति नारायण मिश्रा इसके पहले भी बेसहारा परिवार को नगर निगम आयुक्त मृणाल मीरा और कलेक्टर इलैया राजा टी के सहयोग से छत दिलवाने का कार्य किए थे, जिसमें मऊगंज निवासी परिवार को दीपावली में उपहार के स्वरूप में भवन दिया गया था। वहीं एक बार फिर से शहर को पॉलिथीन मुक्त और मंदबुद्धि बच्चों को सहारा कर समाज सेवा की बेहतरीन मिसाल पेश की है। आइए सुनाते हैं एनजीओ के लिए काम करने वाले शिक्षिकाओं ने क्या कहा है और किस तरह से अपनी खुशी जाहिर की है। कलेक्टर कमिश्नर दोनों कर दो। विजिट में आए थे ना सारे, वो सभी लोग माननीय लोग आते रहते हैं जब प्रोग्राम हो। उसकी फोटो है ना अपने पास? अरे हमारे यहाँ उसमें ये बने तो क्लास है, बच्चों की ये सब उनके छोटे बच्चों की क्लास है, प्राइमरी बच्चों की। ये सब टेलम वगैरह नगर निगम का टेलम ही कर रहे हैं, ऊपर करते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो रिटायरमेंट हो गए। जी जी, आपके सब ये सब बनाते हैं बच्चे, देखिए सब मैडम हम लोग का सबका लगा हुआ है। ये देखिए बच्चे वर्क करते रहते हैं, फिर उनकी फोटो खींची गई है। और भी फोटो है, जितने भी फेस्टिवल आते हैं सब में हम लोगों के यहाँ राखी बनेगी, राखी दिया बनेंगे, हर चीज का जाता है सब। और तो और सामान निकल गए, अभी बहुत बनते हैं। हम यही कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारी संस्था के लिए, इतना उन्होंने हेल्प की जो अपने आगे आए, तो बच्चे बहुत इससे प्रोग्रेस करेंगे, आगे हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और समाज से भी है, बहुत सारे लोग हैं बिजनेस में, उनसे अपील है कि वो भी आगे आए और हमारे संस्था की मदद करें, इन बच्चों की मदद करें, ताकि वो अपना आत्मनिर्भर बनने में आगे मतलब सफल हो। सर ये हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए है, तो ये बहुत बड़ी पहल है और मेन है कि उन्होंने अपना उत्साह दिखाया और उन्होंने जो पैसा लगाया है तो उसमें अब हम लोग आगे का काम करेंगे, मशीन लेंगे उससे मशीन से ही, और उन्हें जो 18 से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने सोचा है। किसके द्वारा सहयोग किया ये सर? विभूति नारायण मिश्र जी के। सर मिश्रा जी ने सहयोग, किस तरह से आपने प्रोजेक्ट की बात रखी थी, फिर कलेक्टर साहब ने किस तरह से? पहले तो सर हमारे यहाँ विजिट किए, कलेक्टर साहब विजिट किए थे पहले, फिर जो हमारे यहाँ बच्चे है ना, हम लोग जब उनके पेरेंट्स के घर जाते हैं तो उन बच्चों को हम लोग देखते हैं जो एज हो गई है उनकी 20 से ऊपर, उनका कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो जब ये थोड़ा इनकम करेंगे तो कम से कम इनका कहीं कुछ होगा कि ये अपने लिए तो कुछ कर सकते हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए। क्या मानते हैं किस तरह का ये कदम है अच्छा है, और लोगों को आना चाहिए सामने? जी जी बिल्कुल, हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए हम लोगों ने पहला कदम उठाया उनके लिए, तो ये एक तरह से सीढ़ी है और ये पहली सीढ़ी है, इसलिए देखिएगा बहुत सारे लोग, और अभी हमें और भी बच्चों जितने भी हैं उनको भी हम लोग आगे लाएंगे। कितने बच्चे अपने यहाँ हैं, किस किस तरह से परिस्थितियां हैं उनकी? वैसे तो मान लीजिए 74 है, तो उसमें से कुछ छोटे हैं अभी 20 तक है अभी। और कैसे आय के साधन है, कैसे आप लोग पूरा कर पाते हैं? अभी तो हमारे यहाँ नेशनल ट्रस्ट से जुड़े थे 30 बच्चों का, तो उनका नेशनल ट्रस्ट देता है, और जो और बच्चे हैं उन्हें सर लोग मिलकर करते हैं। कलेक्टर साहब किस तरह से सहयोग करते हैं? सर उनका तो पूरा सहयोग है, उन्हीं के वजह से ही इतना सब हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने ये हमारा प्रोजेक्ट काफी मतलब कम से कम 6 महीना हो गया होगा
इसमें हम लोग लगे हुए। सफाई मशीन के लिए क्यों प्रस्ताव रखा गया, जैसे कि वो पॉलीथीन बैग बनाने की मशीन है, तो कैसे उसका विचार आया कि वही विचार? क्योंकि पॉलीथीन बैन हो रही है, तो जो ये बैग मेकिंग है इसमें हर जगह मॉल में मंदिर में हर जगह ये काम आती है, तो और ये बच्चों के लिए सेफ है। और समाज सेवियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? यही है कि आगे आए और मदद करें, क्योंकि इन बच्चों के लिए कोई तो खड़ा हो। जिन्होंने मदद किया है उनके लिए क्या कहें? बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद उनको। तो हम लोग अब बता नहीं सकते हैं कि कितना उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, तो बहुत ही अच्छा है संस्था के लिए, बहुत दिव्यांग बच्चों के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।